Okay guys, so today we are going to unbox my new laptop, which is Asus Vuebook S14. So let's go for it. And about the specifications, I will tell you later. Here it is written that in search of incredible. It is, I think, reflection is there of the table. So that. फिर क्या आता है हमारे पास, हमारा माल क्या है? माल ये रहा लैपटॉप, यह है कॉर्बेट ब्लू कलर का। जब ये ऐसे देखो, ऐसे दिखा देगा कॉर्बेट ब्लू। तो फिर इसको रखते थोड़ा साइड में। और ये रहा इसका बिल, ऐसे बिल आप देख सकते हो कितने का आया है। बिल आया है, सॉरी ये बिल नहीं है, माय बैड। ये ईयरफोन का रिपेयर के लिए गया था, उसका बिल है। बिल बाद में दिखा दूंगा, अपलोड कर दूंगा मैं बाद में। और ये कुछ स्टिकर्स वगैरह है, स्टिकर्स भी हम चेकआउट कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ स्टिकर्स वगैरह है, वाई नॉट, सब बहुत फंकी है स्टिकर्स, बहुत फंकी स्टिकर्स है। लिफ को रखते थे साइड में। फिर मिलता है कि Asus का कुछ ऐप जो कि मोबाइल पे लिंक होगा, इसके लिए लेव। फिर यूजर मैनुअल जो कि टॉपर बच्चे ही पढ़ते हैं शायद, इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल। खत्म, बस पेपर वर्क खत्म। फिर इस वाले कंपार्टमेंट में आपको मिल जाएगा चार्जर का एडाप्टर, इस वाले में वायर। बस इतने ही बॉक्स कंटेंट, डब्बा फेंको पीछे। चार्जर्स वगैरह भी रखते साइड में। अब देखते हैं हम हमारे मेन लैपटॉप पे आते हैं। तो ये लीजिए गाइस, हम आ गए हमारे लैपटॉप पे। तो चलिए इसको बूट करके देखते हैं। ये कुछ ये दे रहा है, फिर ये देख लीजिए, ये राइजन 5 प्रोसेसर है, अपना AMD रेडियन AMD का ग्राफिक्स कार्ड, फिर टाइप सी का ये है। यहाँ पर ये, हाँ ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है, ठीक है। नॉर्मल होते 10 पे, ये 7 पे। तो चलो बूट करके देखते हैं इसको। और थोड़ा क्लोज आ जाओ, फ्रेम में शायद नहीं आ रहा है, फ्रेम एडजस्ट कर लेते हैं। लेट्स बूट इट। Asus, माफ करना कैमरा इतना भी अच्छा। और ये फिंगरप्रिंट सेंसर, हाँ ये सोचना ये डेस्कटॉप फीचर इग्नोर करना, क्योंकि मैंने पहले से सेटअप कर लिया ना सारा कुछ, तो सिर्फ आपके लिए ही बना रहा हूँ वीडियो। तो अबे वैसे भी अगर कोई नया लैपटॉप है तो चेक करके ही लाऊंगा ना, ऐसे थोड़ी ना उठा के लेके आ जाऊंगा। हाँ, और ये लैपटॉप मैंने खरीदा है, मतलब ऑफलाइन से ही खरीदा है। ऑनलाइन में इसका प्राइस था आई थिंक अराउंड 52, पर मुझे ऑफलाइन में पड़ा 48। और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये आता है हमारा AMD Ryzen 5 4500U प्रोसेसर के साथ, 7 नैनोमीटर के बेस्ड है। ग्राफिक्स कार्ड तो आता है हमारा रेडियन, AMD का ही खुद का ग्राफिक्स कार्ड, वो इंटीग्रेटेड टाइप का ही होता है। और इंटेल i5 10th जनरेशन, थोड़ा फास्ट है ये वाला प्रोसेसर। फिर बाकी हम देखें तो वही सिंपल 8GB रैम आता है, फिर 512 SSD, फिर आएगा हमारा बस उतना ही, बाकी सब तो ठीक ठाक है, बाकी सब ठीक। और हाँ, ये कैमरा इसका 720p है, ठीक है। और ब्लैकलाइट कीबोर्ड दे देता है फिर ऊपर से, इसलिए इतना नहीं। तो अगर AMD प्रोसेसर तुम लोग चेक करोगे तो वो इंटेल से बहुत सस्ता होता है, आई थिंक अराउंड 5,000 या 6,000 रुपीज कम आता है उससे। तो बस इतना ही ऐसा कुछ है लैपटॉप। फिर बाकी तो भी इसको बाद में अच्छे से रिव्यू करते, क्योंकि कल ही मैं लाया ना, तो इतना कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया। पर जब तक जितना यूज़ किया, ये वाला कॉर्बेट ब्लू मेरा कलर है, मुझे कलर बहुत मस्त आया। फिर कॉर्बेट ब्लू मेरा कलर है और हीट नहीं हुआ, पर अब तक पता नहीं शायद नया है इसलिए, पर हीट नहीं हुआ अब तक उसका फ़ैन। कल बहुत हैवी यूज़ किया था मैंने, कल बहुत सारी मूवीज़ देखे, फिर YouTube में वीडियोस देखे, फिर मेरे 2-3 असाइनमेंट थे उसको भी अपलोड किया इसमें एडिट करके, पर हिट नहीं हुआ। तो चलो बाद में देखते हैं।
तो गाइस ये देख लो हमारा बिल, निगमा कंप्यूटर्स भुवनेश्वर से लिया है मैंने। फिर ये टोटल है 41 रुपीज़ का, पर GST लगा के हो जाता है 48,400 रुपीज़। बस इतना ही पड़ा प्राइस मुझे। फिर अगर हम जाके देखे कि इस लैपटॉप का स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो मेरे मुंह से निकल नहीं रहा। रुको, सॉरी, ये मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने जो रिकॉर्ड किया था लास्ट वाला पार्ट वो डिलीट हो गया गलती से फ़ोन से, तो ये सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये अबाउट योर पीसी इज़ मॉनिटर प्रोटेक्टेड, ये डिवाइस का नाम मैंने होस्टेक्स दिया हुआ है। प्रोसेसर इज़ हमारा है AMD राइजन 5, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था, इट रेडियन का ग्राफिक्स कार्ड। इसका क्लॉक स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, 2.38 GHz का। रैम इंस्टॉल्ड है 8 GB। द अवेलेबल स्टोरेज इज 7.42 विच कैन बी यूज्ड। डिवाइस नेम यू कैन सी सिस्टम 64 bits मैक्सिमम टाइम। नो पेन सपोर्टेड, नो टच सपोर्टेड इज़ अवेलेबल। सॉरी क्या करे, एडिशन देख लो भी, ये तो विंडोज़ 10 पे बेस्ट है। ये इंस्टॉल हुआ है पिछले साल अगस्त में। फिर बाकी बस यही थे स्पेसिफिकेशंस, बाकी एक डिटेल रिव्यू आएगा बाद में। ओके देन, फॉर बाय, लेट्स सी अगेन।